जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अल्लाह पाक की रहमत में होगा। तो फ्रेंड्स, आज गाड़ी की जो बैक लाइट्स है ब्रेक पैडल वाली वो डायरेक्ट हो गई हैं, तो इंशाल्लाह इस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहले मैंने ब्रेक पैडल पे काम कर लिया था, तो बाद में वीडियो बना रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो ब्रेक पैडल होता है इसके ऊपर एक ब्रेक स्विच लगा होता है, अक्सर वो ब्रेक पैडल डायरेक्ट हो जाए या उसका मुँह खुल जाए तो फिर लाइट्स खुद डायरेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेक पैडल ब्रेक स्विच का जो पिन होती है उसके नीचे आहिस्ता आहिस्ता पैडल के अंदर सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो ऑफ नहीं होता बैड पैडल छोड़ने से, जिसकी वजह से लाइट से डायरेक्ट होने का खतरा होता है। फ्रेंड, ये देखें मैंने काम कर लिया था, अब आपको बता रहे हैं कि फ्रेंड जिसे आप पैडल दबाएंगे तो ये देखें कि ब्रेक पैडल ऑफ हो जाता है स्विच, और जब छोड़ेंगे तो ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड इसके अंदर ये देखें, मैंने बम्पर वाली एक लुपी है वो मैंने इस राख के अंदर नीचे मैंने वो फंसा दी है, लगा दी है, जिसकी वजह से आप ये देखें ऑफ हो रहा है। ये देखें जैसे आप पैडल छोड़ेंगे तो स्विच का जो बटन है खुद ब खुद ऊपर की तरफ चला जाता है, जब आप पैडल दबाएंगे तो स्विच नीचे की तरफ आ जाता है। फ्रेंड मैंने काम कर लिया था, तो इसलिए आपके लिए फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि पैडल के ब्रेक स्विच का जो अगर फ्रंट पिन होती है वो चल चल के पैडल के अंदर सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर पिन ऑफ नहीं होती पैडल छोड़ने से। तो फ्रेंड ये देखें, इसके साथ मैंने चारों इंडिकेटर इशारे का भी वीडियो बनाई है कि जो दो होंडा सिटी 2002 मॉडल है, 2001 दो तीन चार तीन मॉडल तक इसका जो इंडिकेटर स्विच है वो जो है ना डेक एलसीडी डेक के साथ इसका स्विच आता है। तो जैसे फ्रेंड आप इसे आप ऑन करेंगे तो मीटर के अंदर चारों इशारों का जो स्विच ऑन हो जाता है और खुद ब खुद ड्राइवर को पता चल जाता है चारों इशारे मैंने ऑन कर दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स के चारों इशारों पे मैंने काम किया था, इसका जो एक फ्यूज़ है फ्रेंड्स, और ये देखिए जब मैंने ब्रेक पैडल दबाया है तो ये देखिए कि लाइट खुद तेज़ हो जाती हैं, छोड़ेंगे तो लाइट्स बंद हो जाती हैं और इसके साथ मैंने पार्किंग भी ऑन की है। तो फ्रेंड्स ये आपने चीज़ गौर से देखनी है कि जो इंडिकेटर स्विच होता है इशारों वाला, इसके फ्रेंड्स दो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और एक डिपर वाला फ्यूज़ होता है वो होता है 10 नंबर, और जो इंडिकेटर स्विच वाला होता है वो होता है 15 नंबर फ्यूज़ होता है। फ्रेंड्स ये आपने वीडियो मुकम्मल वाच करनी, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ हम फ्रंट हेडलाइट्स जो है उसका जो है ना एडजस्टमेंट की ये भी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने गौर से वाच करनी है, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर दो एडजस्टर होते हैं, एक एडजस्टर से लाइट अप डाउन होती है, दूसरे एडजस्टर से जो है लेफ्ट राइट पे लाइट घूमती है। ये देखें इस तरफ आप घुमाएंगे तो फ्रेंड्स लाइट्स खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, अगर आप उल्टी तरफ घुमाएंगे तो लाइट जितनी चाहें आप डाउन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये जैसे मैं ऐसे ऑन घुमाऊँगा लेफ्ट राइट पे तो लाइट जो है ना कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, इस तरफ घुमाएंगे तो लाइट ऊपर जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये है लेफ्ट राइट वाला, ये जैसे ही आप उल्टी साइड पे इसे घुमाएंगे पेचकश की मदद से तो लाइट्स खुद ब खुद फ्रेंड्स अंदर की तरफ रिमूव होना शुरू हो जाती है। ये देखें और फ्रेंड जैसे आप घुमाते जाएंगे लाइट अंदर की तरफ जाएगी, और उल्टा घुमाएंगे तो लाइट खुद ब खुद बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स डिपर के अंदर तो डिम पॉइंट फुल पॉइंट होता है, उसके अलावा ये लाइट्स के अंदर भी दो एडजस्टर होते हैं, एक लाइट अप डाउन करने वाला होता है और एक एक एडजस्टर से लाइट लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करती है। फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, धुंध के दौरान अक्सर लाइट्स जो है वो नीचे की तरफ करनी पड़ती है, डाउन करनी पड़ती हैं, और जैसे मौसम चेंज हो जैसे ही आपका धुंध का मौसम चले जाए तो आपने फ्रेंड्स खुद ब खुद इसे पेचकश की मदद से इसे जैसे आप घुमाएंगे तो लाइट्स खुद ब खुद ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरे चैनल पर और बहुत अच्छी अच्छी